हिम्मत का समय हो चुका है, वो स्कूल से आने वाला है, उसकी बस ऑलमोस्ट बाहर है। ग्लव्स लेके आऊंगी। जो कुछ टाइम के लिए मर गए थे। बंदों से डिटैच करना है, पति से डिटैच करना है या बॉयफ्रेंड से। They look just like us, but their bodies are different. Their bodies are somehow they're better than our body bodies. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। आज के दिन की मैंने शुरुआत की है बहुत सारी नियर डेथ एक्सपीरियंस वीडियोस देख के। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न कुछ समय के बाद मैं उनको देखती हूँ, बड़ा मज़ा आता है एंड रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी कितनी सीरियस नहीं है जितना हम लेते हैं। आपको कैसे फुल फ्लेज ज़िंदगी जीनी चाहिए ताकि कल आपको रिग्रेट ना हो एंड यू नो अपने ऊपर बहुत सारी बंदिशें नहीं लगानी चाहिए। इसके बारे में हम ना लेटर बात करेंगे। हिम्मत का समय हो चुका है, वो स्कूल से आने वाला है, उसकी बस ऑलमोस्ट बाहर है, हस्बैंड उसको पिक करने के लिए गए हैं एंड आज मैंने बनाए हैं उसके फेवरेट राजमा राइस। उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जब मैं राजमा बनाती हूँ ना वो खुशी से पागल हो जाता है वो एंड वो अच्छा पेट भर के खाता है। जब वो खाता है तो मुझे भी मज़ा आता है। मुझे लगा कि क्यों ना वही चीज़ बना लूँ जो उसको अच्छी लगती है। सो दो हफ्ते में एक बार बनाते हैं हम लोग राजमा, इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं बनाते हैं, बट या ही गोना बी वेरी हैप्पी। एंड पापड़ बना लिए हैं मैंने एंड साइड में खाने के लिए खूब सारे लच्छा अनियन एंड क्यूकम्बर्स एंड राइस भी रेडी है। हमने भी खाना नहीं खाया, उसी के साथ खाएंगे। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, एक चाय का कप एंड ऑल्सो एक कुकी खाई थी मैंने, क्योंकि मुझे सप्लीमेंट्स खाने होते हैं, अदरवाइज फिर मैं वीक फील करना शुरू कर देती हूँ। तो एक कुकी खा लेती हूँ आजकल मैं। एंड यस, जो शी ग्लैम से मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे वो भी आ चुके हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी। अगर आप ख़रीदना चाहें तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको ये ख़रीदने चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मैंने वही प्रोडक्ट्स खरीदे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। पर खाना खाने के बाद सो खाना सर्व करना शुरू कर लेते हैं ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि
ये बोल्स में फूड सर्व करना अच्छा लगता है मुझे, ठंडा हो जाता है थोड़ा और इधर उधर गिरता नहीं है, स्पेशली हिम्मत से, क्योंकि हम लोग तो प्लेट में भी खा सकते हैं तो वो सारे डाइनिंग टेबल पे फैला देता है। दोस्तों खाना तैयार हो चुका है, मैं अपने लिए ऑफिस में लेके आई हूँ, मैं यहीं पे बैठ के खाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रही हूँ एंड यहीं पे बैठ के मुझे कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। सो दैट्स अ न्यूज। पेट में से काफी ज्यादा आवाज आ रही है, क्या आपका पेट भी आवाज करता है जब हंगरी होते हो आप? I want to go to Annapolis. I do. Then I But I want to be with Carl, too. मैं और हस्बैंड चले गए थे क्विक सी ग्रॉसरी रन करने के लिए एंड मैंने सोचा कि वीडियो शूट करते हैं, पर हम दोनों ने क्विकली रन करके स्टफ जो 5-6 चीज़ें हमें चाहिए थी कि शूट करने का समय नहीं मिला एंड नीचे अंधेरा हो चुका है, 5:45 हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि 8 बज गए। चाय पीने वाले हैं हम दोनों, हस्बैंड को चाय दे दिया एंड हिम्मत का स्नैक टाइम है, वो फायर प्लेस के पास बैठ के खा रहा है रास्पबेरी एंड किताब पढ़ रहा है। आज मेरी पैंट का कलर भी मेरे घर वाला गई रहा फ्लोर। कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद नहीं आई, ये मेरा वैसे रोज़ का ही है, पर अगर मैं दिन में रात में अच्छी तरह 3-4 घंटे भी सो जाती हूँ तो अगर मुझे नींद नहीं मिलती है तो फिर मेरी जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है एंड कल मेरा ऐसा दिन था कि मुझे नींद नहीं आई एंड आज मेरा कुछ भी करने के लिए मन नहीं था। हे गुगू वॉल्यूम 1। पहले मैंने सोचा कि जब हिम्मत स्कूल गया तो मैं क्विक सा नैप ले लेती हूँ ताकि मुझ पे एनर्जी आ जाए, पर मैं सो नहीं पाई एंड उसके बाद जैसे कैसे भी मैं तैयार होगी, फिर मुझे लगा कि आज मैं व्लॉग नहीं करूँगी, रहने देते हैं, आज रेस्ट कर लेते हैं, पर फिर मैंने लगा कि हो ही जाने तैयार, देखते हैं कि तैयार होकर कैसी एनर्जी आती है। बहुत मजेदारी फील कर रही थी, फिर भी मैंने जल्दी से मील कुक कर लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि जब हिम्मत स्कूल से आए उसे खाने के लिए मिल जाए फ्रेश राजमा राइस, वो खुश हो जाता है उसी में एंड देन अब मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग कुछ खाएंगे क्योंकि हम भी खाने के लिए लेट हो गए। और आई डोंट नो आपने नोटिस किया है या नहीं, हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक ही अच्छा मील खाते हैं, रेस्ट या तो स्किप कर देते हैं या पॉपकॉर्न खा लेते हैं या ब्रेड एग खा लेंगे, कुछ भी 3 मील नहीं खाते हैं, एक मील पूरा खाते हैं, एक आधा पचद्दा। सो अब मेरा खाने के लिए मन नहीं है, अब पॉपकॉर्न ही खाएंगे सोने से पहले। एंड जो मेरा गर्दन का दर्द है ना वो अभी तक भी फिनिश नहीं हुआ है, लाइक स्टिल वहाँ पे टेंडरनेस है एंड कुछ ना कुछ दुख रहा है वहाँ पे। जब नींद ना आए फिर ये सारी चीज़ें इनहेंस हो जाती हैं। मुझे लगा मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तब देखते हैं कि वो क्या बोलता है, होपफुली मुझे रूमेटोलॉजिस्ट मिल जाए जल्दी जल्दी, अच्छा रूमेटोलॉजिस्ट। सो दैट्स दैट। ओ आपको मैं बताना चाहती थी नियर डेथ एक्सपीरियंस, बहुत सारे वीडियोस देखी मैंने यार। अगर आप मुझे लंबे समय से देख रहे हैं तो आपने मुझे देखा होगा कि आई थिंक कुछ ईयर्स पहले मैंने कितनी सारी बुक्स पढ़ी थी इसके बारे में जिसमें लोगों ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस लिखे थे। और एक्चुअली जो कुछ टाइम के लिए मर गए थे मेडिकल साइंस के हिसाब से एंड देन वो फिर से आ गए अपनी बॉडी में वापस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आई मीन।
सो ऐसी बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी एंड आज अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आ गई, उसके बाद फिर मैंने कितनी और सी तो या आप ओके इस मेरी कोटी में ना हुडी भी है। आपके साथ ना मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो ज़रूर से बनाएंगे, मैं काफ़ी लंबे समय से बनाना चाह रही हूँ एंड मैंने प्रिपेयर भी करके रखा है कि मुझे क्या क्या बातें ये बतानी है आपको। पर यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसे डिटैचमेंट आपकी ज़िंदगी को खुश रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अटैच नहीं होते, वो सिर्फ लोगों के साथ नहीं है, सिचुएशन के साथ है, मटीरियल चीज़ों के साथ है, प्लेसेस के साथ है, आप किसी भी चीज़ के साथ अटैच हो सकते हैं, ये इंसान की फितरत है। लाइक हम अपने घर से कितना अटैच होते हैं, दोस्तों से, कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अटैच हो जाते हैं, हम गिव अवे नहीं कर पाते। सो वो कैसे आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशली। अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, स्पेशली किसी लोगों के साथ ले लें, एंड जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पे वो लोग खड़े नहीं उतरते तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, आप पेन में चले जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं एंड टॉक्सिक हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर बने। सो कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को डिटैच पर्सनैलिटी बना सकते, सो मैं आपके साथ कुछ क्विक सी टिप्स शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि डिटैचमेंट इज़ हैप्पीनेस। अगर आप किसी के साथ ऐसे अटैच नहीं हैं कि अगर वो चीज़ होगी तो आप खुश होंगे, अगर वो चीज़ मिसिंग है तो आप दुखी होंगे। सो मेरे बारे में है, जितना मुझे मेरे बारे में पता है या जितना मैं याद करती हूँ अपने बचपन को या यू नो टीनेज ईयर्स को, मुझे नहीं लगता कि मैं चीज़ों के साथ बहुत अटैच कभी भी थी, इंसानों के साथ भी। मैं बहुत ईजीली गुड बाय कर सकती हूँ, यस मैं बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करती हूँ, जब मैं किसी जगह पे होती हूँ मैं अपना 100% देती हूँ बहुत प्यार से, पर इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं करती हूँ मैं कि वो बंदा मुझे कैसा प्यार देगा। सो डिटैचमेंट मेरे लिए आसान हो जाती है कि ओके गुड बाय, इट्स गुड बाय टाइम, आई विल क्राई थोड़ी देर के लिए, देन मैं ठीक हो जाऊंगी, देन मैं भूल जाऊंगी और जो मैं नई जगह पे जाऊंगी वहां पे मैं यू नो अडेप्ट कर लेती हूँ जैसी भी सिचुएशन है, जैसे भी लोग हैं, जैसे भी मुझे रहना है। सो ये मेरे लिए आसान है, बट मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हूँ, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत कंट्रोल करना चाहती हूँ मेरी सिचुएशन को, हर एक जो भी मेरे अराउंड है मैं सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हूँ, कैसा रिजल्ट आएगा, घर की सिचुएशन कैसी हो, यू नो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करती हूँ मैं, जो कि मेरी मेंटल हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है। अगर चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होती तो फिर मैं परेशान भी होती हूँ, इसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया पहले से। कि बहुत बार मैं अनकंडीशनल काम करती हूँ, मैं रिजल्ट की इतनी मैं टेंशन नहीं लेती, मैं अपना बेस्ट देती हूँ, बेशक वो मेरा खाना बनाने में हो, मेरा कंटेंट क्रिएट करने में हो या मेरे बिजनेस के लिए हो, मैं अपना बेस्ट करती हूँ। रिजल्ट या आउटकम के बारे में मुझे इतनी चिंता नहीं होती कि कैसा होगा। आई नो कि अगर आप अपना बेस्ट करेंगे चीज़ें आज नहीं तो कल बेहतर हो ही जाएंगी, यस फॉर सर्टन टाइम नहीं होगा, उस रिजल्ट के साथ मैं इतना अटैच नहीं होती, बट या बहुत माइक्रो मैनेजिंग करने में मैं अपने आप को बहुत परेशान कर लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर लिया है मैंने। सो डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट ये है कि आपको कोई चीज़ ओन नहीं करती हो कि आपकी जान फलानी ज्वेलरी में बसती है, अगर वो ज्वेलरी चले जाएगी आप ख़त्म हो जाएंगे। चीज़ें ओन करें पर चीज़ों को खुद को ओन मत करने दें कि आपके पास अच्छी गाड़ी है तभी आप सही हैं, नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो अटैचमेंट है ना एंड ऑफ द डे सफरिंग बन जाती है। इमोशंस को फील करना एंड सफरिंग होना ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ये होता ही रहेगा, बट इमोशन ही बन जाना या सफरिंग ही बन जाना खुद इज़ पेनफुल। अभी मेरी सेहत अच्छी नहीं है, बट अगर मैं सिर्फ यही लेके बैठे रहूँ कि अभी मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मैं कुछ भी कर नहीं सकती हूँ, दैट मीन मैं अपनी इस बीमारी के साथ बहुत अटैच हो गई हूँ, उसी को मैंने मेरी ज़िंदगी बना लिया है एंड आई एम प्लेइंग विक्टिम कार्ड। आपको अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड अकेले आप कैसे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं या अब नई सिचुएशन में आप कैसे जी सकते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप, मैंने कितनी बार कहा है कि आप ही हैं आपके जो एंड तक आपके साथ रहेंगे। सो अपने आप चीज़ों को हैंडल कैसे करना है ये आपको बखूबी आना चाहिए। आज आपके साथ दोस्त मित्र हैं, शायद 50 साल के बाद नहीं होंगे, क्योंकि आप ह्यूमन को अकेले ही रहना पड़ता है एंड ऑफ द डे। यस उसके पास फैमिली है, दोस्त है, पर असल में आप अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। सो चीज़ों एंड लोगों के साथ बहुत अटैचमेंट डालेंगे तो आप ही पेन में होंगे। यस बहुत प्यार करो उन लोगों को, ऐसे नहीं है कि सबको हम
कर दो, अनकंडीशनल प्यार करो. हम इस धरती पर लोगों को प्यार देने के लिए आए हैं, काइंड होने के लिए आए हैं. बहुत प्यार करो, बहुत काइंड रहो, पर बदले में चीज़ों की इच्छा मत रखो. अगर आपको बदले में प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा है, वेरी हैप्पी फॉर यू. पर अगर नहीं मिलता है तो अनबॉदर्ड रहो कि आई डोंट केयर, उसके बारे में सोचो ही मत. सोचने से यह है कि चीज़ों को सोच सोच के हम बहुत बड़ा बना लेते हैं. प्रिटेंड करें कि आपका बॉयफ्रेंड है, उसने आपको फ़ोन नहीं किया, आप सोचते रहेंगे कि ओ उसे मुझसे बहुत प्यार है, वो ऐसा है, ये है, वो पर फ़ोन क्यों नहीं कर रहा, और आप उसको फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं एंड वो आपसे बात नहीं करना चाहता. आपने कितना अटैच कर लिया है अपने आप को इस सिनेरियो के साथ. मे बी आपका बॉयफ्रेंड कल ही बना हो, यू नेवर नो. सो हम लोग इतना अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ कि अगर वो आपको फ़ोन करेगा तो आप अच्छा फील करेंगे, अगर वो फ़ोन नहीं करेगा तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, रोएंगे. फोन करेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं करेगा तो उससे उसका टाइम लेने से बाद में कर ले. इतना ज्यादा अटैच होके उसको परेशान मत कर दें. आप अगर हॉस्टल में या किसी पीजी में रहे होंगे तो आपने ऐसी लड़कियां हमेशा देखी होंगी जो सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर करके परेशान कर देती हैं. इरिटेटिंग लगता है, राइट? सो आप दोनों का साथ होना बहुत प्यारा है, पर आप दोनों का साथ होके इंडिविजुअल होना सबसे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि इससे उसको भी स्पेस मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और आपकी खुशी हमेशा उसी के साथ डिपेंड नहीं रहेगी. आप दोनों साथ में बहुत खुश हैं, पर इंडिविजुअली भी आप बहुत खुश हैं. आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आप अकेले भी बहुत लंबा समय तक रह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं. इस अगर आपको पता नहीं है कि ऐसे कैसे किया जाएगा तो दो टिप्स बताती हूँ आपको मैं. सबसे पहली है कि आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन हैं. अगर आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं, आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं, आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, किससे आपको खुशी मिलती है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपने आप को कैसी सिचुएशन में रखें तो आप हैप्पी हो जाएंगे. अगर आप अपने साथ हफ्ते एंड महीने बिता सकते हैं ना अकेले बिना किसी से मिले हुए, दैट मीन आपको पता है कि आप कौन हैं और आपको कैसे खुश रखना है अपने आप को. सो अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है तो आप अनबॉदर्ड रहेंगे एंड अटैच नहीं रहेंगे. अगर आप अकेले हैं तब भी आप खुश हैं, अगर आपके साथ दोस्त हैं आप तब भी खुश हैं, एंड आपकी कंपनी उनको भी बहुत ज़्यादा खुश कर देगी, क्योंकि आप जो भी करते हैं अनकंडीशनली करते हैं. सो अपने बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपने से बातचीत करा करें कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, और Who am I? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जितना अपने बारे में जान लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने से प्यार हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. आप देखेंगे कि जब आप अपने आप में इतना खुश रहते हैं ना, आप एक मैग्नेट की तरह सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं. अगर आप खुद को ही नहीं जानते, खुद में दुखी रहते हैं, तो कोई भी आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करता है. सो खुद को जानना, खुद में कॉन्फिडेंस लाना एंड खुद खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड़ की तरह आप मक्खियाँ अट्रैक्ट कर लेंगे जब आप ऐसी पर्सनैलिटी होगी आप. तो अपना बेस्ट फ्रेंड बने. एक्चुअली में आप अपने बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि यू नो कल्ले आए थे तब आपके पास लोग थे, फैमिली थी, बट एंड ऑफ द डे आप अकेले रह जाएंगे. जब जाएंगे ना अकेले ही जाएंगे. सो अपना बेस्ट फ्रेंड बने. अगर आप में कोई इंटरेस्ट शो करता है तो बहुत अच्छा है, पूरा प्यार दें. पर अगर आप में कोई थोड़ा सा भी नहीं इंटरेस्ट शो करता है, फोन कर रहे हो, पिक नहीं कर रहा, मैसेज कर रहे हो, नहीं बात कर रहा, तो लेट देम गो. ऐसे जजमेंटल भी मत हो, आई डोंट नो उसकी सिचुएशन कैसी होगी. नफरत एंड एंगर मत भरें अपने अंदर, क्योंकि अगर आप नफरत एंड एंगर भरेंगे तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं. डिटैच का मतलब है कि आप अनबॉदर्ड हैं. आपको कोई फ़ोन करेगा सही है, नहीं करेगा तो व्हाटसोएवर, आई डोंट केयर. लाइक बुरा वाला डोंट केयर नहीं, ऐसा वाला डोंट केयर कि मैं अपने आप से इतना खुश हूँ मुझे नहीं करेगा तो ठीक है. सो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास. हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे अपने आप को चीज़ों से डिटैच करना है, बंदों से डिटैच करना है, पति से डिटैच करना है या बॉयफ्रेंड से. अगर आपको ये टॉपिक अट्रैक्ट करता है तो कमेंट बार में बताना. जल्दी ही मैं वीडियो शूट करूँगी इसके बारे में.
यस दोस्तों, आज के ब्लॉग के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरी प्यारी प्यारी वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करें। मैं जल्दी मिलती हूँ आपको कल नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें। आई लव यू गाइस सो मच।